नमस्कार। कबीर ने रामानंद जी से गुरु मंत्र तो ले लिया, लेकिन क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी उनके विरोधी हो गए। हिंदू कह रहे थे, यह भी कोई तरीका हुआ इतने बड़े संत से गुरु मंत्र लेने का? एक मुसलमान रामानंद जी का शिष्य कैसे हो सकता है वाला? हिंदू तो जन्म से होते हैं, दूसरे धर्म में पैदा हुआ कोई व्यक्ति हिंदू हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो नाराज होने को ही ठहरे। बमुश्किल मुसलमान बने एक काफिर परिवार का लड़का दोबारा हिंदू बनने की कोशिश में जुटा है। माँ बाप नीरू नीमा हैरान परेशान थे। मुल्ला मौलवियों की भीड़ जब देखो तब घर पर आ धमकती धमकाती सो अलग, और लड़का है कि अपनी ही धुन में मस्त है, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। इन सब से लापरवाह कबीर तो राम नाम जपते हुए अकाल पीड़ितों की सेवा में जुटे हुए थे। अकाल भी ऐसा कि फसलें चौपट होने से लोग पेड़ों की पत्तियां खाकर जिंदा रहने को विवश थे। नीम की निबोली भी मीठी लगने लगी थी उन दिनों। ऊपर से हैजा फैल गया सो अलग, लोग मर रहे थे लेकिन लाश उठाने को लोग नहीं मिल रहे थे। और कबीर थे कि रोजगार छोड़कर सबको समझाते घूम रहे थे, दुखियों का दुख दूर करना ही सबसे बड़ी भगवत पूजा है। धर्म का अंतिम लक्ष्य है सबको आनंद देना, इसीलिए तो भगवान को सच्चिदानंद घन कहा जाता है। अपने मुट्ठी भर सहयोगियों के साथ कबीर जुटे हैं अन्न मांगकर उसे वितरित करने में, बीमारों की सेवा और मृतकों का अंतिम संस्कार करने में। स्नान हुआ है या नहीं, खुद के पेट में कुछ गया है या नहीं, इसकी भी कोई चिंता नहीं। बस राम नाम जपते पीड़ितों की सेवा करते, ऐसे कबीर को देखकर लोग प्रभावित होते गए। रात को कुछ अवकाश मिलता तो भजन कीर्तन होते, प्रभु को सच्चे मन से पुकार कर उनसे मदद मांगी जाती। सामान्य जन कबीर को उद्धारक मानने लगा। संतों के भंडारों लंगरों ने ही जान बचाई। धीरे धीरे विरोध शांत होता गया और मान्यता बढ़ती गई। रामानंद जी ने भी स्पष्ट कर दिया, शूद्रों मुसलमानों को भी शिष्य बनाना समय की आवश्यकता है। रामानंद जी राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के उपासक थे, किंतु कबीर निराकार निर्गुण प्रभु के। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित है तो क्या हुआ, राम नाम लेने से तो कोई नहीं रोक सकता। एक दिन एक लंपट के चंगुल से एक महिला को बचाया तो उसकी और उसके दो बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ पड़ी। निंदकों को एक और अवसर मिल गया निंदा करने का। लड़का कमाल और लड़की कमाली, लोगों ने कहा ये दोनों संत कबीर के ही बच्चे हैं, और बच्चों की माँ लोई कबीर की पत्नी। कबीर जानते थे खंडन करने से कोई फायदा नहीं, उन्होंने न खंडन किया न मंडन। लोई सत्संग में भी आती, भंडारे के परोस में हाथ बटाती। निंदकों ने बात काजी तक पहुँचाई। यह औरत अपने दो बच्चों के साथ मुसलमान होना चाहती थी, कबीर ने नहीं होने दिया। लेकिन समस्या यह थी कि राजा वीर सिंह बघेल पर तो कबीर का प्रभाव था। इसके बावजूद काजी ने लोई को पकड़ मंगवाया, लोभ लालच दिए, धमकाया भी कि कबीर के खिलाफ शिकायत करे, लेकिन लोई ने साफ इनकार कर दिया। कहा संत ने तो उसे बचाया है, संत आदमी के वेश में फरिश्ता हैं, मैं तो चाहती हूं कि वे मुझे अपनी पत्नी बना लें, लेकिन संत गृहस्थी बसाने के लिए तैयार नहीं, उनका जीवन तो धर्म को समर्पित है। निंदकों की बोलती बंद हो गई, सब तरफ संत कबीर की प्रशंसा होने लगी। कबीर जिस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों के पाखंडों पर चोट कर रहे थे, उनसे धर्मगुरु तिलमिलाए हुए थे। किसी को भी तो नहीं बख्श रहे थे वे। कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए।
तो दूसरी तरफ भी बोल रहे थे, मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो मैं भी लहूं मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। शेख तकी नामक एक फकीर ने पहले तो कबीर से दोस्ती करनी चाहिए ताकि इस्लाम के फैलाव में उनकी मदद मिल जाए, लेकिन असफल होने पर कबीर की शिकायत दिल्ली तक पहुंचा दी, दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान सिकंदर मोदी तक। शहंशाह ने उन्हें बुलवाया तो पहले तो कबीर ने जाने से इनकार कर दिया। लोगों ने प्रार्थना की, आप नहीं गए तो क्रूर सुल्तान का गुस्सा सब पर फूटेगा, पूरे इलाके पर मुसीबत आएगी, कत्लेआम भी हो सकता है। लोगों का भय देखकर वे दिल्ली दरबार में पहुंच गए। भयानक सर्दी में भी नंगे बदन, केवल एक लंगोटी भर शरीर पर थी, दरबार ने द्वार पर ही रोक दिया। दरबार का एक कायदा होता है आखिर, कोई नंगे बदन कैसे बादशाह के सामने जा सकता है। बादशाह को खबर की गई। अब बुलवाया था तो अनुमति तो देना ही पड़ेगी, सो बादशाह ने बुलवा लिया। संत बेखौफ उसके सामने थे, कोई सिजदा भी नहीं किया, आंखें बंद कर खड़े हो गए। बादशाह भड़का, यह क्या बदतमीजी है, हुक्म सुना दिया, इसे बांध कर दरिया में फेंक दो। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की, लेकिन यह क्या, संत तो जमुना किनारे एक पेड़ के नीचे समाधि लगाए बैठे दिखाई दे रहे थे। रियाया में कानाफूसी शुरू हो गई, सिद्ध साधु का अपमान हो रहा है, कुछ अनर्थ होने वाला है, अकाल महामारी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता ही क्या जो आसानी से हार मान ले। शेख तकी ने भड़काया तो इस पर कबीर को फूस की एक कुटिया में बंद कर आग लगा दी गई। झोंपड़ी जल गई लेकिन संत का बाल भी बांका नहीं हुआ। शेख तकी ने बादशाह को समझाया, अरे ये कुछ नहीं, हिंदू सिपाहियों की इससे मिली भगत है, इसे सबके सामने अपनी आंखों के सामने हाथी के पैरों तले कुचलवाओ। ऐसा ही हुआ। एक बड़े मैदान में मतवाले हाथी के सामने जंजीरों से बंधे हुए निर्भय खड़े थे कबीर। है ना कमाल की बात, जिसे मारा जाने वाला था वह निर्भय था, जो मारने वाले थे वे सब डरे हुए थे। क्या बादशाह, क्या शेख तकी, यहाँ तक कि महावत भी। कांपते हुए महावत ने हाथी को अंकुश मारकर कबीर की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। हाथी चिंघाड़ा और कुचलने के स्थान पर कबीर को सूंड पर उठाकर शेख तकी की तरफ दौड़ पड़ा। शेख डर के मारे चिल्ला उठा, महावत इसे रोको, यह मेरी तरफ क्यों आ रहा है। लेकिन महावत की हर कोशिश नाकाम हुई और हाथी ने संत कबीर को शेख तकी के सर पर बैठा दिया और लौटकर दौड़ पड़ा आसपास खड़े सिपाहियों को कुचलते हुए। संत की जय जयकार गूंजने लगी, भीड़ बेकाबू हो गई, सब संत की चरण रज लेना चाहते थे। संत की ख्याति अब काशी से निकलकर सारे देश में फैलने लगी। जिससे मुस्लिम बादशाह डरता हो वही तो हो सकता है अन्याय अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाने में समर्थ। राम नाम का मंत्र लेने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, समाज में एक नए आत्मविश्वास का जन्म हुआ। किंतु कबीर परेशान हो गए, क्योंकि आने वाले निस्वार्थ नहीं थे, किसी को संतान चाहिए तो किसी को धन दौलत, किसी को पद प्रतिष्ठा। ऐसे लोगों के लिए फिर संत ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। सांसारिक घर चार दिनों का, असली घर दूर है, वहां पहुंचने के लिए काम क्रोध मोह लोभ का यह घर पहले जलाना पड़ेगा। मेरे पास आना है तो योग के लिए आओ, भोग के लिए नहीं। यही था संदेश कबीर का अपने अनुयायियों को, जिन्हें उन्होंने समय समय पर साधो कहकर संबोधित किया।
ओम।